बार की बात है, बादशाह अकबर नाई से बाल कटवा रहे थे। नाई बोला, हुजूर आपने यहाँ राज्य में तो सबके लिए अच्छा प्रबंध किया है, कभी आपने अपने पूर्वजों के बारे में पता किया है? वे स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? उनको किसी चीज की कमी तो नहीं है? अकबर ने बोला, कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो? स्वर्ग के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि पूर्वज कैसे हैं? इस पर नाई बोला, कुछ दूरी पर एक तांत्रिक रहता है, वह लोगों को जिंदा ही स्वर्ग की यात्रा करवाता है। उसने बहुत से लोगों को अपने पूर्वजों से मिलवाया है, साथ ही साथ स्वर्ग की यात्रा भी करवाई है। अकबर ने बोला, उस तांत्रिक को कल दरबार में हाजिर करो। अगले दिन नाई तांत्रिक को लेकर आया। अकबर के पूछने पर तांत्रिक बोला, हुजूर मैंने बहुत लोगों को स्वर्ग की यात्रा करवाई है, जिससे लोग अपने पूर्वजों से मिल सकते हैं, मिलकर उनका हाल चाल भी जान सकते हैं। अकबर ने कहा, हमें भी अपने पूर्वजों के हाल चाल के बारे में जानना है, उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अकबर ने कहा, बीरबल मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं, मैं उनको अपने पूर्वजों के हाल चाल जानने के लिए भेजना चाहूँगा। तांत्रिक बोला, बहुत कम लोग स्वर्ग की सुख सुविधाओं को छोड़कर वापस आ पाते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल जरूर लौट कर आएंगे। बीरबल ने तांत्रिक से पूछा, आप लोगों को स्वर्ग कैसे भेजते हैं? तांत्रिक बोला, हम यमुना के किनारे लकड़ियों के बीच में व्यक्ति को खड़ा करके लकड़ियों में आग लगा देते हैं, उसके बाद मैं मंत्रों के द्वारा उनको स्वर्ग भेज देता हूँ। बीरबल ने पूछा, कितने समय में व्यक्ति लौट कर आते हैं? तांत्रिक ने कहा, कुछ व्यक्ति 2 महीने में लौट आते हैं, कुछ वही रह जाते हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज क्योंकि मुझे 2 महीने के लिए स्वर्ग की यात्रा पर जाना है, इसलिए मुझे अपने जो भी काम दिया है मैं सारे काम निपटाना चाहता हूँ, मुझे 5 दिन का समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को इसकी मंजूरी दे दी। 5 दिन के बाद कहे अनुसार तांत्रिक ने लकड़ियों के बीच में बीरबल को खड़ा करके आग लगा दी और मंत्र पढ़े। इसके बाद तांत्रिक ने बोला, बीरबल स्वर्ग की यात्रा के लिए चले गए हैं। इसके बाद सब घर लौट आए। 2 महीने के बाद एक दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए, उनके बाल और दाढ़ी बढ़ी हुई थी, सब बीरबल को देखकर बहुत हैरान हो गए। अकबर बीरबल को देखकर बहुत खुश हुए। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे बाल और दाढ़ी क्यों बढ़े हुए हैं? मेरे पूर्वज स्वर्ग में कैसे हैं? बीरबल ने कहा, आपके सभी पूर्वज स्वर्ग में खुश हैं, लेकिन स्वर्ग में कोई भी नाई नहीं है जिसके कारण उनके भी बाल और दाढ़ी मेरी तरह बढ़े हुए हैं, इसलिए आपके पूर्वजों ने एक नाई को स्वर्ग भेजने के लिए कहा है। अकबर ने उसी नाई को बोला, तुम कल स्वर्ग जाओगे। नाई अकबर की बात सुनकर डर गया, उसने कहा, मुझे अभी मरना नहीं है। सारी सच्चाई बताई कि यह सब उसने और तांत्रिक ने दरबार के एक मंत्री के कहने पर किया है। वह मंत्री बीरबल को पसंद नहीं करता था, उनको रास्ते से हटाना चाहता था। अकबर ने नाई और तांत्रिक को कारावास में डलवा दिया, मंत्री को देश से निकाल दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम बचे कैसे? बीरबल ने बताया कि उसने स्वर्ग की यात्रा से पहले जो 5 दिन लिए थे, उसमें जिस जगह से स्वर्ग भेजा जाता था वहां से अपने घर तक की सुरंग खुदवाई थी। अकबर ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपनी होशियारी का इस्तेमाल करके किसी भी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं।